हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और ये क्यों लोगों को परेशान कर रहा था। तो सब्सिडरी अलायंस एक प्रकार का अलायंस होता था जो कि एक इंडियन रूलर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ करता था। इसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉमिस करती थी कि वो प्रोटेक्शन के लिए आर्मी प्रोवाइड करेगी, सोल्जर्स प्रोवाइड करेगी इंडियन रूलर्स को अगर वो सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं। लेकिन इंडियन रूलर्स ऐसा क्यों करेंगे, क्यों वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगेंगे, इसका क्या कारण हो सकता है, इसे समझिए। मान लीजिए ये एक इंडियन स्टेट है और यहाँ पे एक इंडियन रूलर है। अब इस रूलर को लगता है कि मेरी टेरिटरी पर कोई भी फॉरेन अटैक इन्वेशन हो सकता है। इसे डर है कि मेरे पड़ोस में जो दूसरा रूलर है कहीं वो मुझ पर अटैक ना कर दे, कहीं फ्रांस मुझ पर अटैक ना कर दे, कहीं रशिया मुझ पर अटैक ना कर दे। तो ये जो अलग अलग रूलर्स हैं वो अपनी टेरिटरी को लेकर के थोड़े से इनसिक्योर हैं। इस इनसिक्योरिटी के चलते ये इंडियन रूलर हेल्प ले लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी से और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है कि भाई आप मुझे सोल्जर्स प्रोवाइड कीजिए, आर्मी दे दीजिए और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को इस इंडियन रूलर की टेरिटरी के पास भेजा जाएगा। अब वो पूरी की पूरी आर्मी इस इंडियन रूलर को घेर लेगी और इसके पूरे टेरिटरी के आसपास कंट्रोल में रहेगी। लेकिन इसका पूरा जो खर्चा है, इसका एक्सपेंस है, इसका मेंटेनेंस है, वो सारा का सारा खर्चा इस इंडियन रूलर के ऊपर आएगा क्योंकि ये इंडियन रूलर के प्रोटेक्शन के लिए है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सब्सिडरी अलायंस साइन करवा करके अपनी सेना को किसी भी इंडियन टेरिटरी के आसपास तैनात कर देती थी। अब देखने में ये ऐसा लगता है कि इससे इंडियन रूलर को प्रोटेक्शन मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, पर इन रियलिटी ये एक कब्जा करने की साजिश थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को आसानी से अपने सैनिकों को भेज करके कब्जा करने का मौका मिलता था। अगर इंडियन रूलर टाइम पर एक्सपेंसेस ना दे सके, मेंटेनेंस का पैसा ना दे सके आर्मी को, तो उसके टेरिटरी को सीज कर लिया जाता था। ये जो सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम है, इसे यूज़ करके लॉर्ड वेलेस्ली ने कई सारे एरियाज को अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया था। तो ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली, ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे फ्रॉम 1798 टू 1805। इन्होंने एम्पायर इंडिया के अंतर्गत इसी हिसाब से बनाना शुरू किया था। इस सिस्टम के अंतर्गत अगर कोई इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन करता है तो उस रूलर को एक्सेप्ट करना होगा परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस विद इन हिज टेरिटरी और उसका सारा खर्चा, उसका सारा पैसा एक सब्सिडी के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ेगा। साथ ही इस इंडियन रूलर को कई सारी दूसरी बातों के लिए भी अग्री करना पड़ेगा, जैसे कि इन्हीं के दरबार में, इस इंडियन रूलर के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा रहेगा तो वो इनके कोर्ट में पोस्ट किया जाएगा। अब ये जो रेजिडेंट है ये एक एजेंट है कंपनी का, ये एक जासूस है, ये क्या करेगा, स्पाई करेगा, नज़र रखेगा कि कहीं इंडियन रूलर किसी से कोई अग्रीमेंट तो साइन नहीं कर रहा है, कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत जो इंडियन रूलर थे वो जो है वो किसी भी और दूसरे यूरोपियंस के साथ कोई दोस्ती, दुश्मनी या कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते थे। मान लीजिए कोई और यूरोपियंस है, मान लीजिए फ्रांस की तरफ से, रशिया, पोर्तगीज, डच, डेनिस, किसी की भी साइड से अगर कोई और यूरोपियंस है तो उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा किसी भी सर्विस के लिए। और अगर कुछ भी ऐसा करना है तो पहले ब्रिटिशर्स का प्रायर अप्रूवल चाहिए, बिना ब्रिटिशर्स के अप्रूवल के वो ऐसा नहीं कर सकते और ना ही वो किसी दूसरे इंडियन रूलर के साथ कोई दोस्ती करेंगे, कोई नेगोशिएशन करेंगे। मतलब अगर आपको किसी से भी दोस्ती या दुश्मनी करनी है तो पहले गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा और बदले में ब्रिटिशर्स क्या दे रहे हैं, वो आपको डिफेंस दे रहे हैं, वो आपको डिफेंड करेंगे। अगर कभी भी किसी एनिमी ने अटैक किया तो वो आपको पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के अंतर्गत हेल्प करेंगे और हर एक इंटरनल मैटर्स के अंतर्गत जो भी एलाइड स्टेट्स हैं उनको जोड़ करके रखेंगे। तो आप ये मान लो कि एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करना गुलामी को एक्सेप्ट करने जैसा था, ये मान लेने जैसा था कि हाँ हम तो जो है अब पूरी तरीके से इनके अंडर कंट्रोल में है, इनके पावर के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये था सब्सिडरी अलायंस, ये एक प्रॉब्लम थी। गाइज, लास्ट में आपको याद दिलाना चाहूँगी कि टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है। आप कभी भी अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड टॉप 10 यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
एंड में आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे इस साल अनअकैडमी के द्वारा कई सारे यूपीएससी टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया और अभी एक एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है 16 दिसंबर को, तो ये जो अभी हमारे प्राइसेस हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कितना प्राइस हाइक होगा ये कोई नहीं जानता, तो इससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लें, जीएस या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो भी आपको अच्छा लगे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी आपको ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स का कार्निवल भी मिलेगा, 4 नए ऑप्शनल 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं और सभी प्रकार के सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है, PSIR, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ऑल दी सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। इसके अलावा UPSC CSE के नए बैचेस हिंदी और इंग्लिश में 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए शुरू हो रहे हैं और आप इसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको लाइव मेंटरिंग, स्टडी प्लानर, मेंस आंसर राइटिंग की Q&A प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माई रेफरल कोड TOP10। जैसे हर संडे UPSC का अनअकैडमी कॉम्बैट होता है और T20 डेली करेंट अफेयर होता है मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM और अभियान डेली स्टैटिक क्विज मंडे टू फ्राइडे 10 AM होता है। और इस संडे अगर आपने UPSC कॉम्बैट मिस किया तो कोई बात नहीं, अगले संडे 11 बजे दोबारा ये कॉम्बैट दे करके आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।